एजाज काजमी साहब को पहले मुबारकबाद देता हूँ आज का ये प्रोग्राम मुनक्कद करने पे, और जम्मू की पूरी जो हमारी टीम है जिन्होंने ये सोचा कि हमें इस जो हमारा वर्कर तबका है जिनकी तरफ वक्त की सरकार की नज़र बिल्कुल ही नहीं जाती है। ये बदकिस्मती की बात है कि दुनिया में ऐसी पेंडेमिक कोरोना की जो फैली, हर मुल्क में प्रायोरिटी अगर बना तो प्रायोरिटी ये वर्कर बना। मैं मुबारकबादी देना चाहता हूँ ये अपने सफाई कर्मचारियों का, अपने हेल्थ वर्कर्स का, अपने जो लाइनमैन यूनियंस है या आपकी पीएचई वाले हैं। इस मोहलिक बीमारी में भी, पेंडेमिक में, जब बाप बेटे को छोड़ता है, जहाँ माँ बच्चे को छोड़ती है, इन्होंने साथ नहीं छोड़ा आम आदमी का। इन्होंने आम आदमी के लिए अपने लिए जान जोखिम में डाल के, जहाँ सफाई का मसला था सफाई का मसला पूरा किया, जहाँ पानी का मसला था बिजली का मसला था, या कोई और जैसे हेल्थ वर्कर्स ने। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि जब डोल्स बांटने की बात आती है तो सरकार ये देखती है कि हमें किससे क्या फायदा होगा, उसी को दे दें। जो तबका सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ वो है वर्कर तबका। ऐलान बहुत होते हैं, हम रोज सुनते हैं इस वक्त की सरकार से कि आज ये किया हमने, आज वो किया हमने और कल वो किया, लेकिन मुझे तो कोई नहीं दिखता है। आप मीडिया के भाई जो आज यहाँ हैं, जरा अगर आप लोगों ने कहीं कुछ देखा हमें भी बताइए। हो सकता है हमारी नजर में वो कहीं हमारी जॉन्डिस्ट आई तो नहीं है कि हमें दिखता ही नहीं है कि ये अगर इतना कुछ कर रहे हैं। आज जिस तरह से मैंने अपने टूरिज्म फोरम वालों से सुना कि टूरिज्म के लिए 3.5 महीने डायरेक्टर नहीं था, क्या एक साइड से बहुत बुलंद दावे होते हैं कि साहब जम्मू इंडिपेंडेंट टूरिज्म डेस्टिनेशन, ये करेंगे वो करेंगे। ये तो हमारा खुद ही जो वैष्णो देवी का यात्री आता है, ये तो वो अपनी श्रद्धा से आता है, मुझे नहीं लगता है जम्मू कश्मीर की सरकार की किसी मेहनत से आता है। अगर उसको बार बार यहाँ आने का शौक होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि उसके दिल में वो श्रद्धा होती है। और मैं मुबारकबादी देता हूँ या ऑटो वालों को या टैक्सी वालों को, जो उनको यहाँ जब वो रेलवे स्टेशन पे आते हैं या एयरपोर्ट पे आते हैं, उस हंसी खुशी से रिसीव करते हैं और इतने प्यार मोहब्बत से वहाँ तक पहुँचाते हैं कि उन्हें लगता है कि नहीं, पूरी रियासत जो थी या यूनियन टेरिटरी आज हमें स्वागत कर रही है। उन्हें क्या मालूम है कि इनके हंसी के पीछे इनके दुख कितने हैं, उन्हें क्या मालूम है कि इनको लुटेरों की तरह, चाहे रेलवे के वो यार्ड हैं जहाँ से इनको फ्लीस किया जाता है, या एयरपोर्ट के वो स्टैंड है जहाँ इनको धक्कम धक्के में बाहर खड़ा किया जाता है सड़क पे, जैसे ये भिखारी हैं। इज्जत नफ्स जहाँ नहीं हो वहाँ क्या कहें। हमारे इलेक्ट्रिकल यूनियन वालों का मैं तो हमेशा कहता हूँ, जब हम सुनते हैं कि ये लाइनमैन गिर पड़ा पोल से और इसकी टांग गई, पता करते हैं तो ये डेली वेजर कितने साल से, 19 साल से, कितनी शर्म की बात है। यही लोग जो हमारे घरों को रोशन करते हैं, इनके घर कभी रोशन नहीं हो जाते। कि जो चीज़ें भी आज आपने हमारी नोटिस में लाई, कुछ हमारी नोटिस में पहले से भी थी, ये नहीं है कि आज ही हम पहली बार सुन रहे हैं। हम एक डेडिकेटेडली इसीलिए अब अपनी जो ट्रेड यूनियन बनाई है, इसीलिए बनाई है कि ताकि ये मसले फोकस में आ जाएं। हम सरकार के साथ भी उठाएंगे, लेकिन इस सरकार से उम्मीद कम ही है, जो वक्त की सरकार है इससे उम्मीद कम ही है। मैं दुआ करता हूं कि हम कामयाब हो जाएं अपनी आइडेंटिटी वापस लाने में, रियासत वापस लाने में, और ये चीज़ें पहली प्रायोरिटी होंगी उस वक्त। जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे जम्मू की है या कश्मीर की है, मुझे लगता है वक्त आ गया है कि हमें सबको मिल बैठ के एक मुहिम जोरदार तरीके से चलानी चाहिए कि हमारी आइडेंटिटी हमें फौरन वापस करो, इरेस्पेक्टिव ऑफ
कि हम किस पार्टी को बिलोंग करते हैं। मुझे नहीं लगता है इसमें कोई भेदभाव हमें है कि नहीं साहब, रियासत को जब तक ना पुरानी रियासत हमारी वापस आ जाए, जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी वापस आ जाए, ये मसले तभी हल हो सकते हैं। और इंशाल्लाह अपनी पार्टी पेश रहेगी इस मकसद को हुसूल करने में। और मैं आज यहाँ जम्मू से दावत देता हूँ अपने जम्मू के सभी सियासी पार्टियों को, कश्मीर में भी उन सभी को दावत देते हैं, चलिए छोड़िए जो हमारे भेदभाव है, वो तो इलेक्शन में लोग फैसला करेंगे किसे वो चाहेंगे और किसे वो सामने अपने लिए खिदमतगार के तौर पर लाएंगे। एक मकसद में हम इकट्ठे हो जाएं कि अपनी पहचान वापस लाएं। शायद मैं आज अपनी पार्टी की लीडरशिप जो यहाँ बैठी है, इनको एक चीज़ के लिए मुबारकबाद ही देना चाहता हूँ। जिस वक्त 8 अगस्त को ये पार्टी सामने आई, उस वक्त 3 खदशे यहाँ थे। एक खदशा ये था कि हमारी आइडेंटिटी गई, स्टेट उड़ गई, ये कब वापस आएगी। दूसरा कि हमारी नौकरियाँ छिन जाएंगी, हमारा ये बच्चों का क्या होगा। तीसरा था हमारी ज़मीनें वैसे ही कम है, तो ये ज़मीनें जब बाहर के लोग ले जाएंगे तो हमारे बच्चे कल कहाँ रहेंगे। इनकी हिम्मत की दाद देता हूँ जो उस वक्त खड़े हुए मेरे साथ। और आज कम से कम 2 परेशानियाँ तो हमने दूर की हैं। एक, जब सरकार ने ऑर्डर निकाला था कि खाली क्लास 4 जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए होंगी, तो हम लोगों ने एक मुहिम चला के वहाँ 24 घंटे में चेंज करवाया, सभी नौकरियाँ यहाँ के बच्चों के लिए बचाई। तो मैं उन बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ और अपनी जमात को दूसरी भी मुबारकबाद देता हूँ कि ज़मीनों का जो खदशा था, जब 5 अगस्त को 370 उठा तो ये था क्या कोई भी ज़मीनें खरीद सकता था। ठीक है, जो लैंड लॉ आया वो 100% हमारी सेटिस्फेक्शन पे नहीं है, लेकिन कम से कम 95% तो हमने बचाव तो किया ना। एग्रीकल्चर लैंड कोई बाहर से नहीं खरीद सकता है, 7% जो हमारी गवर्नमेंट लैंड्स है वो कोई नहीं खरीद सकता है। इंशाल्लाह जो बाकी 5% है उसका भी बचाव करेंगे, ज़रूर करेंगे। मकसद कहने का है, अब जो मेन मसला है वो है कि स्टेटहुड वापस लानी है। इंशाल्लाह उसके लिए भी हम वादाबंद है और वो हमारे कोर एजेंडाज में से है। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।